ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आरएसएस एवं बैस समाज द्वारा राम मंदिर शिलान्यास के उपलक्ष्य में भव्य पूजन दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सुल्तानपुर आरसीटी बस समाज द्वारा जिले के तिरहुत हनुमानगढ़ी मंदिर पर अयोध्या धाम में हुए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए शब्द दीपोत्सव प्रसाद वितरण कार्यक्रम क्षेत्र के युवा समाज सेवी सुरेंद्र अग्रहरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। पूरी तिरहुत बाजार में भगवा ध्वज का वितरण करते हुए पूरी बाजार की समस्त दुकानों को भगवा में कर दिया गया था। बीच बाजार स्थित हनुमान मंदिर पर 24 घंटे का सीताराम जाप एवं सुंदरकांड कार्यक्रम के पश्चात श्री रामलला की भव्य आरती समारोह का आयोजन करते हुए पूरे क्षेत्र में भगवा ध्वज एवं प्रसाद वितरण किया गया। हर्ष और उमंग के साथ सभी राम भक्तों ने संपूर्ण मंदिर परिसर को भगवा रंग में सुसज्जित करते हुए दीपक से भगवामय कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हनुमानगढ़ी के पुजारी करुणा निधान पांडे, आराम अग्रहरी, वैश्य समाज के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र अग्रहरी, प्रदेश सचिव अरुण अग्रहरी के युवा समाज सेवी सुरेंद्र अग्रहरी सहित सैकड़ों राम भक्त व आरएसएस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए सुल्तानपुर से ब्यूरो चीफ राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे आराध्य करोड़ों आस्था के महानायक श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके लिए आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व बहुत ही हर्ष और उमंग के साथ भगवान की आराधना कर रहा है, भगवान की पूजन कर रहा है। जगह जगह ढोल नगाड़े से भगवान का पूजन अर्चन हो रहा है। उसी उपरांत आज तिरहुत में भी श्री हनुमान जी के पावन धाम में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सीताराम नाम जब 24 घंटे से निरंतर चल रहा है, उसके उपरांत यहाँ पे हवन कार्यक्रम हुआ है। श्री रामलला हमारे अवध में आए हैं, इसके लिए हम सब बहुत ही उत्साहित हैं। आज शाम यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम लोगों के माध्यम से पूरी बाजार को क्षेत्र को जगह जगह प्रसाद वितरण होंगे और मंदिर पर दीपोत्सव का कार्यक्रम। धन्यवाद।